आज हम सॉफ्ट सॉफ्ट पफ पेठा बनाएंगे। उसके लिए हमने इस कप से मेजरमेंट किया है, 2 कप मैदा, 6 टेबलस्पून घी और गुनगुना पानी। अब हम इसमें घी डालकर, मैदा में घी डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। किया है और फिर इसमें धीरे धीरे गुनगुना पानी डालकर इसको आटे के जैसे ओसन लेंगे। आटे को हमने ओसन लिया है। अब 2 मिनट आटे को रेस्ट देते हुए हम इसका पेस्ट बनाएंगे। 2 टेबलस्पून घी में हमने 2 टेबलस्पून मैदा डालकर इसका एकदम ऐसे पेस्ट बना लिया है। ऐसे हम इसको पतला बंट लेंगे। बंटने के बाद इसमें हम इस पेस्ट को लगा देंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसको हल्के हाथ से राउंड कर लेंगे। हल्के हाथ से राउंड करने के बाद हल्का सा मैदा डाल के हम इसको हल्के हाथ से करेंगे और हम इसे काट लेंगे। बराबर बराबर हमको साइज, जिस हिसाब से हमको साइज चाहिए उस हिसाब से हम इसको सेम साइज से काट लेंगे। हल्का हाथ से हमें इन्हें बंट लेना है। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर गैस को तेज करके हम इसको डाल देंगे। गैस को हम तेजी रखेंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से हम हिलाते रहेंगे। ये एकदम फूल जाएंगे और इन्हें सिकने देंगे। गैस को कम करके फिर 2-4 मिनट बाद इसको हमको, ये देखिए सबकी पत्तियां खुल चुकी है। फिर हम इसको निकाल कर और इसमें हम पिसी हुई चीनी, हमने पिसी हुई चीनी ली है और इस पर हम डाल देंगे। दोनों साइड पिसी हुई चीनी डालेंगे। और फिर ठंडा होने पर एयरटाइट डब्बे में डाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिए।